नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव हैं वो शुरू हो चुके हैं और आज मतदान केंद्रों में अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, अपने वोटर वोट का इस्तेमाल करने के लिए लोग जो है वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और हमने भी तस्वीरें जो है अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस चुनावी उत्सव में जहां लोग ने युवा बड़े उत्साह के साथ केंद्रों में पहुंच रहे और अपने मत अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, वहीं युवाओं में जोश देखा जा रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, हमने कुछ तस्वीरें कुछ मतदान केंद्रों से ली हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सुबह 7 बजे आज मतदान शुरू हो चुका है और लोग घरों से निकलकर पहले मतदान करने के लिए उत्साहित हैं, तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ चलते हैं। दूसरा, पूरी जानकारी देंगे कि कितने कुल केंद्र हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है, किन जिलों में वोटिंग होनी है, तो पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद आपको बाकी की जानकारी देते हैं। सबका जम्मू कश्मीर देखने वाले तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। आज 19 अप्रैल है और सुबह 7 बजे से लगातार मतदान केंद्रों में लोग पहुंचकर अपने मत का जो है उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय कठुआ, उधमपुर, डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कुल 12 उम्मीदवार हैं जो जिनके भाग्य का, जिनके भविष्य को लेकर आज फैसला तय होना है, जिनको लेकर लोग मतदान कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी बता दूं कि कुल जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ, डोडा, उधमपुर और अन्य 5-2 जिलों में जो है वो कुल 2637 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2457 रूरल एरियाज में बनाए गए हैं और अर्बन एरिया के लिए 180 मतदान केंद्रों को बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उधमपुर लोकसभा में कुल 16,23,195 वोटर जो हैं वो 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें कुल 8,45,238 पुरुष हैं और 7,77,899 महिलाएं हैं। वहीं 13 ट्रांसजेंडर भी इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 18 से 19 वर्ष के युवाओं को जो पहली बार इस मतदान में हिस्सा लेने वालों की संख्या भी आपको बता दूं, कुल जो संख्या है, बात मतदान सूची की जाए तो कुल 23,637 विकलांग हैं जो इस बार वोट डालेंगे, जिनमें 14,362 पुरुष हैं और 9,275 महिलाएं हैं। 18 से 19 वर्ष के जो युवा आयु से 19 से हो चुके हैं, जो पहली बार इस लोकसभा में अपनी भागीदारी देंगे, उनकी कुल संख्या जो है वो है 84,468। वहीं पुरुषों की संख्या, अगर युवाओं की, मेल युवाओं की बात की जाए तो 45,825 मेल हैं, जबकि 38,641 फीमेल हैं इस भागीदारी में अपनी दे रही हैं, चुनाव में भागीदारी दे रही हैं। वहीं 2 ट्रांसजेंडर भी हैं जो इस मतदान में जाकर अपने मत का उपयोग करेंगे। उधमपुर में अगर बात की जाए कि आज उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव जो है होने जा रहे हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुल 5 जिले हैं जहां आज वोट डाले जा रहे हैं। लोग अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। इनमें से किश्तवाड़ जिला, डोडा, कठुआ, उधमपुर, रामबन में आज लोग घरों से निकलकर लगातार लंबी कतारों में वह शुभामित कर रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार आपकी जानकारी के बता दूं, तस्वीरें आपके सामने हैं, मतदान केंद्रों में महिलाओं की तस्वीरें देख सकते हैं, पुरुषों की देख सकते हैं। लोग बड़े उत्साहपूर्वक जो चुनाव डालने के लिए, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से ये दर्शाता है कि लोग किस तरह से लगातार घरों से निकले और चाहते हैं कि हर बार वो अपने मत का उपयोग कर अपने पसंदीदा नेता को केंद्र में भेजे और वो उनकी समस्याओं को लेकर, वो उन समस्याओं का निपटारा करे। तो लगातार तस्वीरें देखने के लिए सबका जम्मू कश्मीर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचाई जा सके। और एक विनम्र निवेदन भी करूंगा, सबका जम्मू कश्मीर के चैनल के माध्यम से आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो युवा 19 वर्ष के हैं या 18 वर्ष के पहली बार जो इस मतदान में अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं, वो हमें अपने हाथ में लगी शाही के साथ अपना फोटो भेज सकते हैं, ताकि हम अपने अखबार के पन्ने में उन्हें जगह दे सकें,
स्पेस दे सके। तो इसी के साथ मैं आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ चलता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जिस उम्मीद से आप अपने घर से निकले हैं, जिस उम्मीद से आप देश को बदलने निकले हैं, देश की उस तस्वीर को बदलने निकले हैं, वो आज तस्वीर बदल कर आप बाहर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके मन की जो इच्छा है वो पूरी हो। तो इसी के साथ मुझे इन तस्वीरों के साथ छोड़ चलिए, देखते रहिए सबका जम्मू कश्मीर। और अपनी फोटो भेजना ना भूलिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो अपने फेसबुक पे डाला हुआ है 8717007205। इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे अपने तस्वीरों के, अपने नाम के साथ तस्वीर भेज सकते हैं। तो इसी के साथ इन तस्वीरों के साथ छोड़ चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लगातार तस्वीरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।